Hello, my dear friends. My name is Atifa, and today we are going to understand the solution of class 7 science chapter number 1, which is nutrition in plants. So now this video is for class 7. Okay, friends. So now let's understand this. The first question is, why do organisms need to take food? It means that the why we need to take a food. Why? So the reason is, food is necessary by all living organisms. So the food is necessary for all living organisms. You know that all living organisms need food to many purposes, to doing many activities. The first is, the main functions of food is to help to growth. So when we eat food, it helps us to grow. Food provides energy for movement such as running, walking or raising our arm. It means ki hum log ko food kya provide karta hai, to food hame energy provide karta hai. Energy ke karan hum log move kar sakte hain, jaise ki run kar sakte hain, walk kar sakte hain, hamare arm ko raise kar sakte hain. So there are many movements which we provide from the energy, and energy is provided from the food. Okay, now this third is, food is need for the replacement and repairing damaged parts of the body. Food jo hai na, ye hame isme hi madad karta hai ki hamare body part mein kuch damage ho gaya hai ya fir humko use fir se repair karna hai, to ye food hi help karta hai. So food help in many ways. Food give us resistant to fight against diseases and protect us from infections. So food kya hai? Ye resistance hai, matlab ki ye pratirodhak hai, matlab ki ye fight kar sakta hai, ye hame fight disease ke against fight karne ke liye ye hame shakti deta hai, matlab ki fight karne ke liye hum log ko shakti deta hai. Theek hai, to food hame ye sari cheezon ko deta hai. Dusre question ki aur badhte hain. दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, डिस्टिंग्यूश बिटवीन अ पैरासाइट और सेप्रोटॉफ. तो ये पैरासाइट और सेप्रोटॉफ को मैं लेक्चर वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दी हूँ, समझा दी हूँ. ओके फ्रेंड्स, तो उसे आप देख लीजिएगा तो ये सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे. तब उसे देख लेंगे तो और अच्छा है, और इसे भी देख लीजिए, क्योंकि वो आप जब तक लेक्चर वीडियो नहीं देखोगे पूरा चैप्टर का क्लियर नहीं होगा, फंडा क्लियर नहीं होगा. चलिए अब पैरासाइट और सेप्रोटॉफ के बीच में डिस्टिंग्यूश करते हैं कि क्या क्या उनके बीच में डिफ्रेंशिएट है, डिफरेंस है. पैरासाइट फीड्स ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो पैरासाइट्स है ना, वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे चढ़ता है, लेकिन सेप्रोटॉफ से ना वो किस पे फीड करता है, वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे, जो मरा है, सला है, गरा है, गला है, उस पर ये फीड करता है. और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, द ऑर्गेनिज्म ऑन विच इट फीड्स कॉल्ड होस्ट. और जिस ऑर्गेनिज्म पे ये फीड करता है, चढ़ता है, उसे हम लोग होस्ट कहते हैं. दे डू नॉट फीड ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. और जो हमारा सेप्रोटॉफ है, वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फीड नहीं करता है. मैं आपको पैरासाइट के बारे में बता दूँ, तो ये मान लो ये दिस इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज ये ट्री है. अब कोई आपको दिखता है ना येल्लो कलर का, जिसे अमरबेल कहते हैं हिंदी में, वो येल्लो कलर का जाके इस पर पूरा चढ़ जाएगा. चढ़ जाएगा तो इससे पेड़ की जितनी भी न्यूट्रिशन है वो सारा ये ले लेता है. तो ये क्या हो गया, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फिट करता है. और इस पेड़ को हम लोग कहेंगे होस्ट. अब ये बात करें सेप्रोट्रॉफ की, ये एक ऑर्गेनिज्म है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फीड नहीं करता है, ये डेड मरा हुआ डिकेइंग मैटर पे ये फीड करता है, और ये क्लीन करता है हमारे एनवायरनमेंट को. ठीक है, नाउ हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स. लीव्स में स्टार्च है कि नहीं, ये आप कैसे देखोगे, तो कैसे आप टेस्ट करोगे. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट. तो हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे, आयोडीन टेस्ट के द्वारा करेंगे. तो इसमें हम लोग को क्या करना है आयोडीन टेस्ट में, इसमें व्हेन वी रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम लीफ बाय बॉइलिंग इट एंड
it in alcohol and then put 2 drops of iodine solution. Its color change into blue indicates the presence of starch. Nothing. Iodine test को क्या कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं क्लोरोफिल को रिमूव कर देते हैं. हम लोग क्लोरोफिल को रिमूव कर देते हैं लीफ से बाई बॉइलिंग इट इन एल्कोहल. एल्कोहल में डाल के पत्ता को डाल देते हैं एल्कोहल में और उसको बॉयल कर देंगे तो वो अपने आप क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा. फिर उसके बाद हम लोग 2 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन का 2 ड्रॉप डाल देंगे. अगर उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में तो इट मीन्स उसके प्रेजेंस है स्टार्च. उसमें उस लीव्स में स्टार्च है. अब आगे बढ़ते हैं. गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स. तो हम लोग को ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है. द ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल इन द लीव्स. जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके लीव्स में क्लोरोफिल होता है इसी के वजह से वो ग्रीन रहते हैं. द लीव्स यूज CO2 एंड वाटर टू मेक फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो लीव्स क्या यूज़ करता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर को लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और फिर वो फूड बनाता है. तो व्हाट आर द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस. पहले तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा वाटर लेगा फिर सनलाइट भी मिल रहा है उसे क्लोरोफिल भी है तो क्या ये सारे की मदद से वो क्या देगा. तो वो देगा कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन. ठीक है आई होप ये समझ में आ गया होगा. इससे इस रिएक्शन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर वीडियो में पढ़ा रखा है. सो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड. तो हम लोग को शो करना है विद द हेल्प ऑफ स्केच. ये फ्रेंड्स देखिए ये डिकम्पोजर्स सोलर एनर्जी. तो ये देखिए कि सोलर एनर्जी से क्या होता है. सोलर का एनर्जी आया तो ग्रीन प्लांट्स ने अपना फूड बनाया. अब ग्रीन प्लांट्स को कौन खाएगा. ग्रीन प्लांट्स को हार्बीबोरस खाएंगे. अब हार्बीबोरस को कौन खाएगा. कार्निवोरस खाएंगे. अब हार्बीबोरस को जब कार्निवोरस ने खा लिया तो अब कार्निवोरस को डिकम्पोज कौन करेगा. हार्बीबोरस अगर मान लो कार्निवोरस मर गया तो इसे डिकम्पोज कौन करता है. डिकम्पोजर्स करते हैं. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सोलर एनर्जी डिकम्पोजर्स कार्निवोरस हार्बीबोरस ग्रीन प्लांट्स सोलर एनर्जी. तो ये आपको पता चल गया है बहुत इजी है. तो ये जो हम अभी हम आपको फिगर बना दिखलाई थी वो फिगर 1.3 था. ये स्केच शो करता है कि जो प्लांट्स है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है. मतलब कि प्लांट ही तो था पहले तभी ना प्लांट को खाए हार्बीबोरस हार्बीबोरस को खाए कार्निवोरस कार्निवोरस को खाए डिकम्पोजर्स ना. तो प्लांट ही एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है. अगर प्लांट नहीं रहेगा तो हार्बीबोरस नहीं रहेगा और जब हार्बीबोरस नहीं रहेगा तो कार्निवोरस भी नहीं रहेगा. कार्निवोरस नहीं रहेगा तो डिकम्पोजर्स भी नहीं रहेगा. तो मतलब कि प्लांट का लेना देना है. अगर प्लांट नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा. यही कहने का मतलब है इस स्केच में. फिल इन द ब्लैंक्स. अब हम लोग को फिल करना है ब्लैंक्स को फिल करना है. ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड. ग्रीन प्लांट्स को हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. ऑटोट्रॉफ्स जानते हो फ्रेंड्स क्या होता है. ऑटो जो है ना ऑटोट्रॉफ्स ये 2 वर्ड से मिलके बना है ऑटो प्लस ट्रॉप्स. ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉप्स मीन्स नॉरिशमेंट मीन्स सबकी वो कंज्यूम करना. सेल्फ कंज्यूम सेल्फ नॉरिशमेंट मतलब कि वो जो है ना ऑटोट्रॉफ्स खुद से खाना बनाते हैं और खुद कंज्यूम करते हैं. ठीक है अब है सेकंड नंबर. द फूड सिंथेसाइज बाय द प्लांट्स स्टोर्ड एज. जो फूड ने अपना खाना सिंथेसाइज कर लिया तो वो कहाँ स्टोर करते हैं. वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं. तो वो स्टार्क के फॉर्म में वो स्टोर करते हैं. इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. सोलर एनर्जी कौन से पिगमेंट ट्रैप करता है कैप्चर करता है. तो क्लोरोफिल. ओके फ्रेंड्स नाउ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक्स इन एंड रिलीज. तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट्स है वो CO2 लेता है और वो रिलीज करता है ऑक्सीजन. ठीक है आई होप ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स आपको याद भी हो गया होगा और समझ भी आ गया होगा.
सॉल्यूशन तब तक नहीं बनेगा जब तक लेक्चर वीडियो नहीं देखोगे मेरा. नेम द फॉलोइंग. अ पैरासाइटिक प्लांट विथ येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर स्टीम. मैंने कहा था पैरासाइटिक प्लांट को, कहा था मैंने फ्रेंड्स, कहा था अभी जस्ट कहा था. और येलो सिलेंडर है वो, मैंने येलो कलर का बताया भी था. वो कौन थे येलो कलर के, मैंने हिंदी में उसे बताया था, हिंदी में थे मैंने बताया था अमर बेल. हिंदी में मैंने अमर बेल बताया था, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कुसकुटा, 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 याद रखिएगा. अ प्लांट दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. कौन से प्लांट में हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है. इट्स सो इम्पॉर्टेंट, वीवीआई क्वेश्चन है ये, वीवीआई क्वेश्चन है ये. है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. देखिए मैंने ये वाली बात, इंसेक्टिवोरस वाली प्लांट वाली बात मैं सॉल्यूशन में तो डिस्कस नहीं की, लेकिन हाँ मैंने इसे लेक्चर में डिस्कस किया है, लेक्चर में. तो आप देखिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, ठीक है. तो जो प्लांट्स, वो प्लांट्स जो बहुत ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाते हैं वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट. द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज यस. लीव्स में ये लीव्स होता है तो यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसी के कारण जो लीव्स है वो गैसेस को एक्सचेंज कर सकता है. तो इस पोर्स के नाम क्या है, स्टोमटा, स्टोमटा. नाउ टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर. अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ. अमरबेल किसका एग्जाम्पल है, ऑटोट्रॉफ का, पैरासाइट का, या फिर सैप्रोट्रॉफ का, या फिर होस्ट का. तो मेरे ख्याल से आंसर है पैरासाइट, ख्याल से नहीं आंसर यही है, ठीक है, पैरासाइट. अब है सेकेंड नंबर, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट्स. तो कौन सा है जो ट्रैप करता है और फीड करता है इंसेक्ट पे. पीचर प्लांट. लेक्चर वीडियो में इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल मैंने पीचर ही प्लांट लिया और उसको पूरा स्ट्रक्चर भी उसका समझाया, इस तरीके का स्ट्रक्चर कि ये लो होता है, इसका स्ट्रक्चर, इसका लीड होता है और भी वो कैसे डाइजेशन करता है, ये लेक्चर वीडियो में मैंने समझाया है फ्रेंड्स. अब मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम वन, आई कॉलम वन विद दोज इन कॉलम टू. कॉलम वन को कॉलम टू से मिलाना है तो मैं यहीं पे मिलाऊंगी, मैं आंसर नहीं देखूंगी, ठीक है. क्लोरोफिल कहाँ होगा, क्लोरोफिल कहाँ होता है फ्रेंड्स, लीफ में होता है. नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन बैक्टीरिया से होगा. नाइट्रोजन प्लांट्स कैसे लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया नॉन एज राइजोबियम. अमरबेल पैरासाइट है. एनिमल्स, एनिमल्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं. इंसेक्ट्स पिचर प्लांट, पिचर प्लांट क्या इट करता है, इंसेक्ट्स को. तो मैं इस तरीके से मिलाई हुई फ्रेंड्स. मैं 3 सेकंड के लिए रुक रही हूँ, वीडियो को पॉज करके आप भी मैच कर लो. 1 2 3 चलिए मैं हटा रही हूँ. यहाँ पे आपको आंसर भी दिख जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आंसर भी दिख रहा है. आप कॉलम से मैच कर लो. क्वेश्चन नंबर 10 mark true if the statement is true and false if f it is false. ठीक है, समझ गए, ट्रू एंड फॉल्स है ये. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है क्या लीफ, नहीं, इट्स फॉल्स. मैं यहाँ पे आपको रेड कलर का करती हूँ, इट्स फॉल्स. Plants which synthesize their food themselves are called saprotrophs. No, वो होता है autotrophs. तो ये भी हो गया false. The product of photosynthesis is not a protein. Yes, जो photosynthesis का जो product होता है वो protein नहीं होता है. तो ये statement is correct. ये statement correct है. Solar energy is converted into chemical energy during photosynthesis. Solar energy किस में चेंज हो जाता है, सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, तो ये भी ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट ट्रू. तो यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा है पूरा. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. Which part of the plant takes in carbon dioxide from the air for photosynthesis? Carbon dioxide को कौन लेता है, आंसर है स्टोमटा. स्टोमटा ही लेता है ना कार्बन डाइऑक्साइड को.
फ्रेंड्स मैं एक और क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जो प्लांट्स है ना वो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर से किस पार्ट के द्वारा लेते हैं। प्लांट्स जो है एटमोसफेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मेनली किस पार्ट से लेते हैं, तो आंसर होगा लीव्स। क्योंकि मैंने यहाँ पे राइट करना भूल गई थी, ये 11 क्वेश्चन का सेकंड नंबर है, 11 क्वेश्चन का सेकंड नंबर है, मैं यहाँ पे राइट करना भूल गई हूँ, ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। सो ये फ्रेंड्स ये था आपका सॉल्यूशन। आई होप ये सारी सॉल्यूशन आपको याद भी हो गई होगी, समझ में भी आ गई होगी। सो आप व्हेन यू वांट टू सी माय ऑल नोटिफिकेशन ऑफ माय चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो आप सारी नोटिफिकेशन मेरे चैनल के गेट कर सकेंगे। सो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर एंड कमेंट ऑल्सो कि आपको कौन सा नया वीडियो चाहिए और कौन सा दूसरा वीडियो चाहिए, और ये भी बताइए कि मेरा वीडियो कैसा था। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, लव यू ऑल।